पंडाल लगा हुआ है जो कि अभी लाइट वगैरह बंद हुआ है। तो यहाँ पे जो है कटरा का मेन चौराहा है जो कि बहुत, और यहाँ पर अपने वैष्णो जी का देखिए नज़ारा कुछ इस तरह से। तो अभी हम लोगों को इधर चलना है, लाइन लगाना है पहले, और नज़ारा भी देख लीजिए बड़ा ज़बरदस्त है वैष्णो जी का। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वैष्णो जी। वैष्णो जी जाने से पहले पंजीकरण का जो कार्ड बनता है वो यहाँ पे हमें लेना है। तो इसके लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, और उसके बाद जो एक सर्कल बना रहता है ना उसमें बार बार घूमना पड़ता है क्योंकि भीड़ एक कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कल में बराबर से उस भीड़ को पार करते हुए हम लोग काउंटर पे पहुँचेंगे। तो हम लोगों को फ़ोटो बाकायदे लिया जाता है, उसके बाद हमें एक कार्ड दिया जाता है, हमारा नाम पूछा जाता है। और अगर आधार नहीं लिए रहते हैं तो भी दिक्कत होती है, तो आधार जब भी आप आइए यहाँ पर आधार लेके आइएगा। तो चलिए वीडियो आप देखिएगा तो इसके आगे आपको पूरी पता चल जाएगी। और जो इस वीडियो है, जो जर्नी है हमारे माता रानी की दर्शन का, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे आपको शेयर करेंगे। और आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह से कार्ड मुझे मिलता है। और अब हम लोग माता रानी के दरबार की तरफ चल दिए हैं। तो अभी हम कटरा में, मेन कटरा में हैं, मेन कटरा चौराहे, मतलब कटरा चौराहे पे हैं। अभी हम लोग माँ के दरबार की तरफ, ये जो गेट दिख रहा है, हम लोग माँ के दरबार की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक छोटी सी ऑटो चलती है, ऑटो है कि विक्रम, नहीं विक्रम नहीं है, ऑटो कुछ करके है। तो हम ये लोग अभी यहाँ पर चाय पिए, उसके बाद ले रहे हैं डंडा, क्योंकि बिना डंडे के सहारे तो मैं नहीं चल पाती हूँ। चढ़ाई थोड़ी सी नहीं है, ज़्यादा है, तो सभी लोग अपने अपने पसंद के डंडे यहाँ पे पसंद किए कर रहे हैं। तो 20 रुपये का एक डंडा पड़ रहा है, तो हम लोग 5 डंडा ले रहे हैं, भाई है, भाभी है, सब लोग। तो चाय पी रहे हैं यहाँ पे डंडा लेने के बाद। और उसके बाद ये डंडा बोल रहे हैं दुकान वाले भैया कि जब आप डंडा वापस करोगे तो 50 रुपये, मतलब 20 रुपये के हिसाब से 5 डंडे लिए तो 100 पड़ा। और ये बोल रहे हैं कि जब आप डंडा वापस कर दोगे तो आपको 15 रुपीज़ वापस रिटर्न मिल जाएगा। 15 रुपीज़ मनी ये 10 रुपये का ये डंडा पड़ेगा। तो वो तो हम लोग जब वापस करेंगे तब उस हिसाब से। अभी हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में, तो बिल्कुल अंधेरा है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। यहाँ पे 200 से 250 रुपये तक ले लेते हैं किराया, अगर 2 से 4 4 से 5 लोग हो आप तो 4 लोगों का 250 रुपये, और कोई कभी कभी कम भी हो जाता है। तो बस हम लोग ऑटो पे जा रहे हैं माँ के दरबार में। तो माँ के दरबार में जाने से पहले हमें ऑटो पकड़ना पड़ता है, 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता सफ़र तय करना पड़ता है। तो जो अभी गुम्बज आपको दिख रहा है यहाँ से माँ का जो है स्थान, जो चढ़ाई का स्थान है वो शुरू हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो माँ के दरबार का देखना है या मेरे ब्लॉग का देखना है, ब्लॉगिंग तो मैं दिखा ही रही हूँ, बट अभी आपको बस बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही स्पेशल वीडियो दिखा रही, इसलिए कि आप नहीं आए हैं तो माँ के दरबार में ज़रूर आइए, आपकी इच्छा भी पूरी होगी और आपको बहुत ढेर सारा सुकून मिलने वाला है। वो ख़राब हुई है, बिगाड़ के इसको बना रहे हैं फिर से। और अभी सारी दुकानें वगैरह जो है बंद थी, यहीं की मैं रात में सीन आपको दिखाऊंगी। अभी देखिए वैसे सन्नाटा है, तो चाय की दुकान भी लगी हुई है, और जहाँ भीड़ रहती थी वहाँ इस टाइम सन्नाटा हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले लाइन में लग जाते हैं। और श्रेया बैग ली है, मम्मी है उनकी। अभी हमें लाइन लगाना पड़ेगा, और लाइन लगाने के बाद हम लोग प्रवेश
कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सर्कल पूरा करना होगा। बाय नए वीडियो के साथ।